हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग सेक्शन 2 के मैथ्स के फार्मूला रिवीजन सीरीज के चैप्टर स्ट्रेट लाइन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने पैराबोला से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं उसके वीडियोज़ हमने आपको दिए थे। जब हमने आपको पैराबोलास के वीडियोज़ दिए थे उस समय कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग और इलिप्स के रिगार्डिंग वीडियोस दीजिए, तो आपको इस वीडियोस में हम स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग वीडियोस देंगे दे रहे हैं और जल्दी ही आपको इलिप्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल एग्जामिनेशन हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स के आज भी एग्जामिनेशन होंगे और अभी 1 अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। तो जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है तो उनके लिए तो अब आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वो प्रिपरेशन करें, और साथ ही साथ जिनका एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है वो स्टूडेंट जरूर इस वीडियोस को देखें और यहाँ से सीखे, और जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ बताया जाएगा डेफिनेट तौर पे इससे क्वेश्चंस एक ना एक किसी भी शिफ्ट में ज़रूर आएंगे और वो आपको वहाँ से हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, और साथ ही साथ आपको जिनका एग्जामिनेशन अभी क्या है आपका हो गया है वो नेवी AASSR के फॉर्म आ चुके हैं उसको अगर उन्होंने भरा होगा तो उसके रिगार्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन की ओर। तो स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या है यहाँ पे कि एक पॉइंट हमें A(x1, y1) दिया गया है और एक पॉइंट बी है जिसका की वैल्यू हमें x2, y2 दिया गया है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि थीटा क्या है आपका एंगल है जो कि क्या हो रहा है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मानते हैं कि ये हमारा क्या आपका है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, और थीटा क्या हमारा पॉजिटिव एक्सिस से क्या किया जा रहा है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या किया जा रहा है एंगल बनाया जा रहा है। तो यहाँ से जो मानते हैं ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो हमारा लाइन बनेगा, और इस लाइन का अगर हम बात करेंगे थीटा के बारे में तो ये जो थीटा बनेगा वो कहाँ बनेगा इस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही है, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा यह हो गया और ये क्या बनेगा थीटा बनेगा। तो इसी थीटा को कहा जा रहा है हमारा स्लोप, इसी थीटा को क्या कहा जाएगा हमारा, इस थीटा का जो टैन थीटा निकलेगा उसे क्या कहा जाएगा स्लोप कहा जाएगा। और स्लोप को हमने अच्छे से बताया है जब हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्टिंग में बताया था उस समय, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कल के शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो हमने आपको उसके सॉल्यूशंस को दिया है जितना हमें क्वेश्चंस पता चला, और सारे अधिकतर क्वेश्चंस आपके हमारे बताए गए मैथमेटिक्स के वीडियो से आपके वहाँ से आ रहे हैं, और जो भी कंसेप्ट हमने आपको सिखाया था, जो भी हमने आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बताया था क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखाया था उससे बिल्कुल आपको मैच कर रहे हैं। साथ ही साथ साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट साइंस के वीडियोज़ देखे होंगे, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के वीडियोज़ देखे होंगे, तो डेफिनेट तौर पर उन्हें हेल्प हुआ है। और आप अगर 28 मार्च में अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, यानी कल के दिनों में जो भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है जो हमारे चैनल से अच्छे से पढ़ाई किए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि बिल्कुल आपको यहाँ से मदद मिली है या फिर नहीं मिली, ताकि स्टूडेंट्स को और भी स्टूडेंट्स को अच्छे से और पता चल सके। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे प्रूफ भी आपको दिए हैं, लेकिन आप भी कुछ बताएं ताकि उन्हें भी पता चल सके। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ से थीटा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनेगा उसे क्या कहते हैं हम स्लोप कहते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि जिनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका अभी आगे आने वाले हैं वो क्या करें किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं ताकि उनके लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं परीक्षा ऐप के, सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाकर जीडी और डीबी जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में इसका प्राइस आपको 349 रुपीज़ बताएगा, लेकिन जब आप कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से TUTOR50 का कोड लगाएंगे तो ये आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा जिसका कि प्राइस आपको 175 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर किसी एक प्रैक्टिसर्स को लगा के जाएं, किसी भी टेस्ट सीरीज को लगा के जाएं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, और जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है वो नेवी AASSR के लिए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दे या फिर MR के लिए, और इनके रिगार्डिंग भी आप परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को लेते समय आप TUTOR50 का कोड लगाएं जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके। नेवी ट्रेडमैन के रिगार्डिंग भी फॉर्म आया है, अगर आपने इसे भरा है तो इसके भी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, और देन फिर आप क्या करें TUTOR50 का कोड लगाएं ताकि आपको 50% का यहाँ पे भी डिस्काउंट मिले, तब जाके क्या हो आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से आप लगा पाएं। ठीक है, तो जाइए, जो भी एग्जामिनेशन जिनका हो चुका है वो नेवी AASSR के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ट्रेडमैन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और टेस्ट सीरीज को लगाना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। ये तो हमारा थीटा हो गया जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बताया जाएगा, तो वो सब तो बात ठीक है, लेकिन हम आगे बात करेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप ऐसे इक्वेशन
ऑफ लाइन बताइए जो कि क्या हमारा पैरेलल हो आपके कहाँ के एक्स एक्सिस के, तो उस इक्वेशन क्या होगा उस लाइन का, यानी ऐसा लाइन जो कि क्या है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, तो एक लाइन है हमारा यह जो कि क्या हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वाई इक्वल टू के होगा। हो सकता है कि ये जो हमारा लाइन है ये ऊपर न रह के नीचे भी रह सकता है, तो वाई इक्वल टू माइनस के भी हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो कि क्या हो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन क्या होगा वाई इक्वल टू के होगा। यदि आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो पूछा जाए जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू के। देखिए एक्स एक्सिस का होगा तो वाई इक्वल टू के, और वाई का होगा तो एक्स इक्वल टू के, या फिर एक्स इक्वल टू एच, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, वाई के पैरेलल यही लाइन होगा या फिर यह लाइन हो सकता है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करेंगे जब हमारा क्या हो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और पैरेलल हो वाई एक्सिस के, ठीक है। ये दो कंडीशन का पता चला। तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर आपसे किसी भी लाइन का स्लोप दे दिया जाए एम, और उस लाइन के बारे में कहा जाए कि वो जो लाइन है हमारा वो वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट काट रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या आपका ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक लाइन है जिसका कि स्लोप कितना दिया जा रहा है, जिसका स्लोप दिया जा रहा है टेन थीटा इक्वल टू एम दिया जा रहा है, और ये जो है हमारा वाई एक्सिस पे कितना सी इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा सॉरी मतलब इसका जो कंसेप्ट है वहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको, वहाँ पे सीखने को मिला कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप एम दिया गया है और वो सी y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट काट रहा है, तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको ये सभी क्या रखना है, आपको याद रखना है, हम यहाँ पे आपको घेर दे रहे हैं, ये सभी क्या रखना है आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आगे जो है उसमें फोर्थ नंबर में है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और आपको क्या दिया जाए और आपको एक स्लोप दे दिया जाए, तो उस पॉइंट और उस स्लोप से आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको y में से क्या करना है, जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसके y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो y में से y1 को घटाएंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा जो स्लोप है हमारा m, उसको लिखेंगे m इनटू में लिखेंगे x में से क्या करेंगे हमारा गिवन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो जो कि क्या हमारा x1 है। तो दिस इज क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी हमें पूछा जाए कि किसी भी लाइन का स्लोप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालिए, यदि उस लाइन का स्लोप हमें एम पता हो और उस लाइन जो है हमारा एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो गुजर रहा हो, तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, उसका इक्वेशन निकलेगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो आपको पॉइंट और आपके लाइन सॉरी स्लोप और पॉइंट से आपको इक्वेशन निकालने का तरीका आपको पता हो गया, ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा यह होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई दो पॉइंट दे दिए जाए और इन दो पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दो पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका आपको बताना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर को देखिएगा, वहाँ पे हमने और भी अच्छे से बताया है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सिंपली कि दो पॉइंट से किसी भी लाइन के स्लोप को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करते हैं अपॉन क्या करते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, यही हमारा स्लोप ऑफ क्या होता है हमारा कह सकते हैं कि यही हमारा क्या होता है स्लोप होता है, क्या होता है हमारा यही हमारा क्या होता है स्लोप होता है दो पॉइंट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दो पॉइंट का, हमें स्लोप पता चल चुका है तो हम कैसे निकालेंगे इसके इक्वेशन को। तो एक किसी भी आप पॉइंट को उठा सकते हैं, जैसे हम इस पॉइंट को उठाते हैं आप इस पॉइंट को भी उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पॉइंट को उठाएंगे और आपको स्लोप पता चल चुका है, तो हमने अभी तुरंत बताया है एक स्लोप और एक पॉइंट से कैसे निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपली आसान तरीका है। तो हम कैसे निकालते हैं बताइए, तो सबसे पहले वाई लिखते हैं, उसमें से क्या करते हैं हमारा गिवन पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को घटाते हैं वाई वन, और एम लिखते हैं, एम हमारा क्या है यहाँ पे, एम है हमारा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर इनटू में एक्स में से क्या करते हैं एक्स वन को घटाते हैं, तो क्या होता है यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और एक स्लोप से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका पता चल चुका है, फिर आपको दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका पता चल चुका है, फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये कैसे लिखा गया है, ये सिंपली लिखा गया है इसी को थोड़ा सा अरेंज करके, कैसे, ये जो हमारा वाई टू माइनस वाई वन है इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा मिट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन है इसको क्या रहने देंगे इसी तरफ रहने देंगे, यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन जो है इसी तरफ रहने देंगे, तो देख सकते हैं कि यही हमारा है, तो देख सकते हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है बस, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आपको स्लोप निकालने का तरीका पता चल चुका है, दो लाइन से कैसे निकालते हैं सॉरी दो पॉइंट से कैसे स्लोप को निकालते हैं, और दो पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया है, ठीक है। तो इसका जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो क्या रखना है आपको, यह याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सिक्स में लिखा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि
कि आपको दो एक लाइन है जिसका कि जो कि क्या कर रहा है, आपसे इक्वेशन निकालना है लाइन का, जो कि क्या कर रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ए और बी का इंटरसेप्ट काट रहा है, तो आपको बताना है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन है जो कि क्या कर रहा है एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रहा है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। क्या लिखते हैं? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ कुछ भी इंटरसेप्ट काट रहा होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। यदि वो एक्स ए के जगह पे टू भी दे सकता है, थ्री भी दे सकता है, बी के जगह पे भी कुछ भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इक्वेशन को बना लीजिएगा, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे नंबर सेवन्थ में। नंबर सेवन्थ में जो हम लिखने वाले हैं ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन को लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में क्या होता है, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ता है। जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, और ये क्या है एक हमारा लाइन दिया जा रहा है, और ये क्या है हमारा एक ओरिजिन है। तो आपको इसका नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले इस ओरिजिन से इस लाइन पर आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, जो कि क्या होगा आपका, हम मानते हैं पी है, या फिर आपको ये दिया गया होगा। ठीक है, ये पी आपको दिया गया होगा, और साथ ही साथ आपको ये जो पी लाइन है ये क्या होगा आपका, ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो जब ये दो कंडीशंस आपको दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल इक्वेशन या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का तरीका होता है क्या होता है बताइए, वो होता है एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी। यही क्या होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है, क्या होता है नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन, जहाँ कि पी हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन से उस लाइन पर, और अल्फा क्या होता है एंगल होता है कहाँ से आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, परपेंडिकुलर से क्या होता है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तक का क्या होता है आपका एंगल होता है अल्फा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म निकालने का। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, नॉर्मल फॉर्म निकालना सीखा है, देन फिर क्या सीखा है आपका, आपने सीखा है कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस पे अगर कोई लाइन जो है हमारा समथिंग कुछ भी इंटरसेप्ट काट रहा होगा तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और आपने यह भी सीखा है कि दो पॉइंट से कैसे किसी भी लाइन के इक्वेशन को निकालते हैं, फिर साथ में आपने सीखा है कि किसी भी एक पॉइंट से और किसी भी एक स्लोप से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या सीखा है, फिर आपने सीखा है यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट से और एक वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट से हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालते हैं इस तरीके से। फिर आपने सीखा है कि कोई भी लाइन अगर हमारा एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इतना तरीका, इतना चीज़ आपने यहाँ पे सीखा है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जैसे कि क्या है हमारा, अगर आपसे आपको क्या दिया जाए, अगर आपको दिया जाए एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जिसका कि इक्वेशन हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपसे इस लाइन का आपसे स्लोप पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इस लाइन का स्लोप होता है क्या, माइनस ए बाई बी। क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे अभी। साथ ही साथ आपसे अगर कोई ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस लाइन का क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई बी होगा। ठीक है, ये तीनों आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपको समय कम बचेगा, सॉरी क्या होगा आपका, समय कम लगेगा आपके एग्जामिनेशन के दौरान। लेकिन आप नहीं याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, आप इसको बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। आपको पता है कि यदि हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम क्या करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दे, तो यहाँ से हमारा जो m होगा वही स्लोप होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और देन फिर वहाँ से हम m को कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी वाई को रहने देंगे इधर और इधर माइनस ax को बुला लेंगे और माइनस सी को इधर बुला लेंगे। ठीक है, फिर y को रहने देंगे और माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा, माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा m है, यहाँ जो हमारा m है और यहाँ पे हमारा क्या है आपका माइनस ए बाई बी, देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, माइनस ए बाई बी मिलेगा, और यही m क्या होता है हमारा, स्लोप होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप का वैल्यू माइनस ए बाई बी है। तो आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हम x इंटरसेप्ट को कैसे निकालेंगे। अगर बात करें तो x इंटरसेप्ट को निकालने का मतलब क्या होगा, वहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू अगर हमारा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यदि जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा, माइनस सी बाई ए। तो देख सकते हैं माइनस सी बाई ए दिया जा रहा है। उसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करिएगा आप, एक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा। तो जब ये हमारा जीरो हो जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, इसके इंटरसेप्ट को और स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि
पी को कैसे निकालेंगे। पी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया था नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे इस पॉइंट पर तो कैसे निकलेगा, तो आगे हम परपेंडिकुलर खींचना, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हम सिखाएंगे आपको। लेकिन सिंपली आप इसको यहाँ पे याद रखिए कि वो कैसे निकलता है। सिंपली जीरो जीरो से हमें डालना है आपका परपेंडिकुलर, तो एक्स के जगह पे जीरो, वाई के जगह पे जीरो डालेंगे तो ये दोनों वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर सी। तो क्या करेंगे, सी का मॉडलस चढ़ा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो सी का मॉडलस हो गया अपॉन डिवाइड में रूट अंडर एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक्स का कोफिशियंट ए है, वाई का कोफिशियंट बी है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पी निकल गया। फिर कॉस अल्फा निकालते हैं इसी तरह, मॉड ऑफ ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर साइन अल्फा निकालेंगे, मॉड ऑफ बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि नंबर फोर्थ में कि कोई भी पॉइंट आपको एक्स वन कॉमा वाई वन दिया गया हो और इस पॉइंट से आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पर, इस लाइन पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन और ये लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी ये जो जनरल फॉर्म दिया जा रहा है इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो आठवां नंबर पॉइंट है इसी में हमारा ये 1 2 3 4 5 सभी पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन से इस पर इस सॉरी इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपका जो पॉइंट है x1 कॉमा y1 इसको इस लाइन में डालना है। तो जैसे हम डालेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स का कोफिशियंट हमारा ए है और वाई का कोफिशियंट क्या हमारा बी है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही जो हमारा इक्वेशन सॉरी ये जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा यही क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट पी से इस लाइन पर, जिसे कि हम डी से भी डिनोट करते हैं, तो आप इसके जगह पे डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस पॉइंट को इस लाइन में डालते हैं, देन फिर क्या करते हैं डिवाइड का साइन देते हैं, फिर रूट अंडर एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर लिख के उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या आपका, ये पॉइंट बढ़िया है, इससे क्या होते हैं आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और इससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि निकालना क्या है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिया गया है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो पॉइंट है ये हमारे गिवन लाइन के, यानी जो हमारा लाइन है ये जो ये हमारे लाइन के किस साइड में होंगे, यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा लाइन होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो हमारा लाइन है इस लाइन के हमारे किस साइड में ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे इस लाइन के इस पर्टिकुलर लाइन जो है हमारा इसके वो किधर साइड में है। तो मानते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हो सकता है ये दोनों ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट इस लाइन के दोनों इधर ही हैं, या फिर दोनों इधर साइड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारा क्या आपका एक हमारा एक साइड हो और दूसरा क्या हमारा अदर साइड हो, जैसे ए हमारा इधर हो और बी हमारा इधर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी हमारा इधर हो ए हमारा इधर हो, या फिर दोनों इधर ही हो सकते हैं, या फिर दोनों इधर ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों एक साइड है या फिर दोनों अपोजिट साइड में है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको दो पॉइंट दिया जाए और आपको एक लाइन के पूछा जाए कि वो किस साइड में लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उन दोनों पॉइंट को इस लाइन में डालना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट को इस लाइन में डाले तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, एक यह आया। ठीक है, फिर दूसरा वाला पॉइंट को डाला हमने तो एक इक्वेशन हमारा यह आया। ठीक है, यदि याद रखिएगा यदि ये हमारा दोनों जो हमारा वैल्यू आया इन दोनों का वैल्यू का अगर वैल्यू हमारे दोनों का जो नंबर आता है, यानी कहने मतलब कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक हमारे नंबर ही मिलेगा, यदि दोनों जो वैल्यू होंगे हमारे उन दोनों वैल्यू का साइन जो होगा प्लस होगा, यानी दोनों हमारे पॉजिटिव आएंगे, तो हमारा जो ये दो पॉइंट होगा वो इस लाइन के एक ही साइड लाई करेगा, या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। ठीक है, लेकिन यदि हमारा जो कह सकते हैं कि ये लाइन है एक का वैल्यू पॉजिटिव आया और एक का वैल्यू क्या निगेटिव आया, तब क्या होगा इस कंडीशन में, एक पॉइंट हमारा इधर लाई करेगा और अदर पॉइंट हमारा इधर लाई करेगा, या फिर एक पॉइंट इधर लाई करेगा अदर पॉइंट हमारा इधर लाई करेगा। नहीं कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट जो होंगे वो अपोजिट क्या करेंगे, अपोजिट साइड में लाई करेंगे। फिर से सुनिएगा, यदि आपको दो पॉइंट दिया जाए और पूछा जाए कि वो दोनों पॉइंट है वो किसी पार्टिकुलर लाइन के किस साइड में लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड लाई कर रहे हैं या फिर दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सबसे पहले उन दोनों पॉइंट को उस लाइन में डाल के देखना पड़ेगा कि दोनों जो पॉइंट डालने के बाद जो हमारा लाइन आ रहा है उन दोनों लाइन के सॉरी ध्यान सुनिए फिर से एक बार, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को उस लाइन में डालना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों पॉइंट को उस लाइन में डाल देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। यदि उन दोनों वैल्यू का जो साइन होगा क्या होगा, यदि वो सेम साइन के होंगे तो वो हमेशा एक ही साइड लाई करेगा दोनों पॉइंट, यदि उन दोनों वैल्यू का जो साइन होगा वो अपोजिट साइन का होगा तो हमारा जो दोनों पॉइंट है वो क्या होंगे, आपके अपोजिट साइड में लाई करेंगे। ठीक है, यदि उन दोनों पॉइंट का द्वारा डाले गए लाइन जो होंगे, यदि उन दोनों पॉइंट से जो हमने लाइन में डाला है उसका वैल्यू जो होगा वो आपका सेम साइन
का आएगा, यानी इनका वैल्यू जो होगा वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो हमारा लाइन जो होगा सॉरी हमारा जो पॉइंट जो होगा वो लाइन के एक ही साइड लाई करेगा, या तो वो इस साइड भी हो सकता है या तो इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है लेकिन एक ही साइड रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पॉइंट है वो अगर हम इस लाइन में डालें और उन लाइन में डालने के बाद जो हमारा वैल्यू मिला, एक का वैल्यू प्लस मिला एक का वैल्यू माइनस मिला, या फिर इसका वैल्यू प्लस मिला इसका वैल्यू माइनस मिला, कुछ भी हो सकता है, यानी अपोजिट साइन मिल रहा है। तो अपोजिट साइन जब मिलेगा तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के क्या होंगे, अपोजिट साइड में लाई करेंगे। एक इधर लाई करेगा तो अदर इधर, एक इधर लाई करेगा तो अदर इधर लाई करेगा, ठीक है, यानी अपोजिट साइन में एक साइड नहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के हम साइड को निकालते हैं कि वो लाइन के किस साइड में लाई करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टू और मोर लाइंस के रिगार्डिंग। टू और मोर लाइन के रिगार्डिंग क्या कंसेप्ट है उसको अच्छे से सीखिएगा यहाँ पे। तो टू और मोर लाइन के रिगार्डिंग कंसेप्ट है कि दो लाइन आपको दिए गए हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए डैस एक्स प्लस बी डैस वाई प्लस सी डैस इक्वल टू जीरो, और आपसे पूछा जाए पूछा नहीं जाए, आपको सिंपली कहा जा रहा है कि ये हमारे पास दो लाइन दिए गए हैं, एक का स्लोप हमारा एम है और दूसरे का स्लोप क्या हमारा एम डैस है। तो पैरेलल, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ऐसा क्या कंडीशन पॉसिबल होगा, तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो हमारे पहले वाले लाइन का कोफिशियंट जो होंगे एक्स का और दूसरे वाले लाइन के जो हमारे कोफिशियंट होंगे वाई के, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा दूसरे पहले वाले लाइन के, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपसे दो लाइन दिया जाए और उन दोनों का स्लोप एम और एम डैश दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये दोनों जो लाइन जो होगा वो आपका आपस में पैरेलल कब होंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन को छोड़िए, आपको सिंपली जब पैरेलल पूछा जाए तो पैरेलल कब होंगे, तो पैरेलल होना तभी संभव है जब हमारा, ठीक है, तो पैरेलल होना तभी संभव है जब हमारा जो लाइन है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन उन दोनों लाइन के एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन क्या है आपका पैरेलल है, यानी कहने का मतलब ए अपॉन ए डैश जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी अपॉन बी डैश के, तो हम कहेंगे कि हमारा लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए डैश, तो यही हमारा कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को रटने की जरूरत नहीं है, आप इस कंडीशन को याद रखिए कि दोनों लाइन जो होंगे तभी पैरेलल होंगे आपस में जब दोनों के एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के, ठीक है, सिंपल। आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए बताइए कि ये दोनों लाइन जो होंगे वो परपेंडिकुलर कब होंगे एक दूसरे के, यानी एक लाइन ऐसा होगा और अदर लाइन ऐसा होगा, तब तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो ऐसा कंडीशन कब होगा, तो जब हमारा ए ए डैश यानी पहले वाले लाइन का जो कोफिशिएंट है और दूसरे वाले लाइन का जो कोफिशिएंट है एक्स का, उनका प्रोडक्ट प्लस में पहले वाले लाइन के y के कोफिशिएंट फिर दूसरे वाले लाइन के y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, वो बराबर होगा किसके, आपके 1 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये हमारे परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे फिर कि एंगल थीटा बिटवीन दी एंगल थीटा बिटवीन देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो किसी भी एक पर्टिकुलर, चलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि ये काम आएगा आपको, मान लेते हैं कि हमारा जो लाइन है ये दोनों लाइन जो होंगे कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हमारा एंगल बनेगा उस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी उसका हम हाँ ठीक है थीटा कैसे फाइंड करेंगे, उसका हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सिंपली उसके लिए एंगल फाइंड करने क्या करते हैं, हम टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस, क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पहले वाला लाइन का स्लोप एम माइनस दूसरे वाला लाइन का स्लोप एम डैश अपॉन वन प्लस एम इंटू एम डैश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनके हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा को निकलते हैं, जब हमारा टेन थीटा निकल जाएगा तो वहां से हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या झंझट है हमारा, तो सिंपली ये झंझट को आपको याद नहीं रखना है, याद किसको रखना है आपको, तो याद आपको रखना है सिर्फ इसको, याद सिर्फ आपको इसको रखना है, ठीक है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहां से आपको जब इस लाइन के आप एम को निकाल सकते हैं, स्लोप को निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया है कि कैसे किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया जाए तो उसके स्लोप कैसे निकालते हैं। आप देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था जनरल फॉर्म हमें यह पता है, उसके स्लोप को निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस ए बाई बी कर देते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए डैश बाई बी डैश, ठीक है। तो वहां से आप एम और एम डैश की जगह पे निकाल डालिएगा वैल्यू आपको और वहां से आंसर आप सिंपली निकाल लीजिएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे की ओर, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही हमारा टेन थीटा पता चल जाएगा वहां से आप थीटा निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों के पास क्या आपके दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल हैं और हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से आप एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ ये बढ़िया चीज़ है कि मान लेते हैं एक लाइन हमारा क्या था, एक लाइन था हमारा ये, इसको मानते हैं L1 और इसको मानते हैं L2, ठीक है। तो मानते हैं हमारा ये लाइन L1 है और ये इंटरसेक्शन लाइन क्या है L2 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन से मान लेते हैं एक लाइन पास कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इनके इंटरसेक्शन से
इनके इंटरसेक्शन से यही लाइन पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिसको कि मानते हैं L3। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली L1 में क्या करते हैं, प्लस टाइम्स लिखते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ L3 इक्वल टू जीरो, सॉरी लेमडा टाइम्स ऑफ L2, सॉरी L3 तो हमें पता है नहीं ना, L3 तो हमें निकालना है, L2 इक्वल टू जीरो। और ये से यहाँ से जो हमारा इक्वेशन निकलता है, इसे ही क्या कहते हैं, L3 कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि दो लाइन हमें पता है, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई यदि लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका इक्वेशन निकालते हैं L1, जिसका इक्वेशन यह है, प्लस टाइम्स ऑफ लेमडा, लेमडा एक क्या है आपका, कोई भी एक क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर इनटू में क्या आपका L2 का इक्वेशन क्या हमें पता है, इक्वल टू जीरो के बराबर। यहाँ से निकालने के बाद आखिर हमारा इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो याद रखिए कि जब भी आपसे इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का आपसे इक्वेशन पूछा जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप खुद से सोच सकते हैं कि ये हमारा यदि इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो आप इस L2 और L1 को सॉल्व करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा, ये मान लेते हैं F, G निकलेगा। तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन होगा ये हमारा F, G से भी पास करेगा, ये लाइन जो होगा हमारा F, G से पास करेगा। तो आप इस F, G को इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। जब आपको लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, तो आपको सिंपली इक्वेशन पता चल जाएगा L3 का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, L3 का इक्वेशन निकालते हैं, यानी उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं जो हमारे किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। देखिए दो लाइन ये हमें पता है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बताइए। ठीक है, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं सिंपली, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके जो हमारे कांस्टेंट टर्म होंगे उनके डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं। जैसे कि सी और सी डेस हमारे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इनका डिफरेंस को क्या करेंगे हम, ऊपर लिखेंगे C - C' उसका मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अपॉन क्या लिखते हैं, रूट अंडर जो हमारे एक्स का कोफिशियंट है और वाई का कोफिशियंट है, उन दोनों के स्क्वायर का। आप सोचेंगे सर इन दोनों का कोफिशियंट जो एक्स और वाई का होगा वो तो डिफरेंट होगा, तो बिल्कुल नहीं डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो इस कारण से इनका कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा, सो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यही होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। फिर थ्री लाइन अगर आपको दिया जाए और यहाँ पे आपको पूछा जाए कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे क्या आपका कि थ्री लाइन आपको दिए गए हैं, X1 A1X + B1Y + C1 = 0, फिर A2X B2Y + C2 = 0, और इस तरह A3X B3Y + C3 = 0 दिया गया है। और आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जा रहा है कि इन तीनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। समझ लेते हैं, ये लाइन इन तीनों लाइन मीट करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। तो आपके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखना है, फिर नीचे लिखना है, फिर तीनों को इस तरह नीचे लिखना है, और यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, हमने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है। ठीक है, बार बार आपको इसी एक ही चीज़ को नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं नंबर फोर्थ में, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है हमारा और ये है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बताना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा उनके एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं ये लाइन और ये दोनों लाइन है हमारा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, और इनका ये जो एंगल है इनके एंगल को बाइसेक्टर करता हुआ जो लाइन होगा उसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो इस लाइन L3 का इक्वेशन बताना है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या करना होता है आपका, AX + BY + C, यानी जो लाइन होता है हमारा पहला वाला उसको ऊपर लिखना होता है, L1 / √ इस L1 लाइन के कोफिशिएंट जो होंगे उनका स्क्वायर A² + B² फिर इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखते हैं, फिर ये जो लाइन होगा दूसरा वाला L2 / इस L2 लाइन के क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि क्या होगा A² + B² ठीक है, जो कि यहाँ पे सिंपली लिखा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या हमारा है, ये ऊपर वाला L1 है, इनका कोफिशिएंट नीचे लिखा गया है, फिर प्लस माइनस, फिर ये वाला ऊपर लिखा गया है, फिर ये नीचे लिखा गया है इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, ये भी आपके लिए क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय।